अब भाई मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाला नया अमल आप भाइयों को मिलता रहे। तो आज के अमल में मैं आप भाइयों के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक अमल लेके आया हूँ। ये अमल सिर्फ मर्द हज़रात कर सकते हैं, बेशक वो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, उसका कोई मसला नहीं है। इस अमल के ज़रिए आप थोड़ी सी मेहनत करके आप सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक परी को हाज़िर कर सकते हैं। तो ये परी हाज़िर करने के बाद आप दुनिया का कोई भी काम ले सकते हैं इससे, और ये 20 मिनट में हाज़िर होती है। लेकिन ये है कि ये एक ही बार हाज़िर होगी काम करने के बाद, जब चली जाएगी दोबारा हाज़िर करना होगा तो दोबारा से चिल्ला करना पड़ेगा। ये लाइफ टाइम के लिए आपके ताबे नहीं होती, उसके लिए अलग अमल है। लेकिन ये सिर्फ मैं 20 मिनट का अमल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, तो ये आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। अब करना कैसे आपने अमल को, आप हफ्ते में 2 बार इस अमल को कर सकते हैं। 2 रातें ये अमल होता है, एक तो मंगल की रात को, मंगल की रात आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, टाइम की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा हफ्ते की रात को, मंगल की रात और हफ्ते की रात, ये 2 रातों में ये अमल होगा। कमरे में आपने अमल करना है, कमरे में आपने किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कमरे में ज़मीन के ऊपर बैठ के ये अमल होगा, बेशक कच्चा फर्श है या पक्का है उससे कोई मसला नहीं है, ज़मीन के ऊपर आपने बैठ के अमल करना है। और कमरे में आपके अलावा दूसरा कोई बंदा नहीं होना चाहिए, कमरा आपने बंद कर लेना है ताकि अमल के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। फ़र्ज़ करें आप 10 बजे के बाद अमल कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप भाइयों ने सबसे पहले एक ही कलर का कपड़े पहनने हैं, मतलब अगर सफ़ेद रंग के पहन रहे हैं तो सिर्फ सफ़ेद हों, कोई भी रंग है एक ही रंग के पहने। ये नहीं है कि सलवार जो है आपकी और कमीज़ से मैच नहीं हो रही, वो और रंग के नहीं होने चाहिए, सेम कलर होना चाहिए, ये शर्त है। उसके बाद आपने 4 दिए लेने हैं, 4 दिए लेके आपने वो पहले बाज़ार से ले आए, मिट्टी के दिए हों, यूज़ ना हो, पहले बिल्कुल फ्रेश आपने दिए लेने हैं। और उनको आपने कमरे के सेंटर में ऐसे रखना है कि 4 कोनों में आप जैसे सेंटर में बैठ के 2 अपने सामने रख लें, 2 पीछे रख लें, 4 कोनों में आपने अपने वो दिए रखने हैं। उनमें आपने सरसों का तेल डालना है बत्ती जलाने के लिए, थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डाल लें आधा, और आधा आधा जो है आपने उसमें चम्बेली का तेल डालना है। ये डालने के बाद आपने उनके नीचे ये नक्श आपके सामने जो दिए जा रहे हैं, ये नक्श जो है ये आप लिख भी सकते हैं, बिल्कुल सफ़ेद कोरे कागज़ पे लिखना है। अगर लिखने में थोड़ा मुश्किल लगे तो आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, उससे ये है कि गलती की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि इसमें ज़रा से भी गलती हुई तो हाज़िरी नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि आप इसका प्रिंट निकलवा लें। तो ये आपने जो है 4 नक्श ये हासिल करने हैं, 4 नक्श आपने ये हासिल करने हैं। और 4 नक्श प्रिंट करने के बाद आपने एक एक नक्श एक एक दिए के नीचे रखना है, जलाने से पहले, आग जलाने से पहले दिए में, तो बाद में आपने उसको दिए को जला देना है। जलाने के बाद आपने बैठ जाना है सेंटर में, उन 4 दियों के सेंटर में आपने बैठ जाना है। बैठ के आपने ज़मीन के ऊपर फिर एक लाइन का ये मंत्र है ये आपने पढ़ना है, ये जो आपके सामने दिया जा रहा है। पहले 15 मिनट आपने इसका व्यर्थ करना है, 15 मिनट इसको लगातार पढ़ना है, जितनी बार भी पढ़ा जाए कोई मसला नहीं है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इसको इतनी ही बार पढ़ना है। 15 मिनट आपने इसको पढ़ना है और उसके बाद बाकी जो आपके 5 मिनट रह जाएंगे आपने ये करना है, दिए जलते रहें अमल के दौरान, आपने एक एक दिए के नीचे से वो नक्श निकालना है और उसको जला के उसी दिए में उसकी राख को गिरा देना है। जिस नक्श को आपने जिस दिए से निकालना है उसी में उसको जला के उसकी राख को गिराना है। ये जैसे ही करेंगे आप और आखिरी नक्श जैसे जलेगा, पहले पिछले 2 जलाने हैं उसके बाद आगे वाले 2 दिए के नीचे जो नक्शे हैं वो जलाने हैं। तो जैसे ही ये जल जाएंगे उसके बाद फिर हाज़िरी होगी, इंसानी शक्ल में हाज़िरी होगी, और उस हाज़िरी ने परी होगी लेकिन इंसानी शक्ल में होगी, उसने कोई कपड़ा नहीं पहना होगा अपने जिस्म के ऊपर, बिल्कुल नंगी होगी। तो फिर वो आपको पूछेगी कि आपने क्यों बुलाया है, आप उसे जिस्मानी ख्वाहिश अपनी पूरी करेंगे और उसके बाद कोई भी काम कहेंगे, एक काम आपका वो करेगी। तो काम करने से पहले जो है उसे सेक्स करना लाजमी है, तो उसके बाद वो चली जाएगी आपको काम करके। इस तरीके से आप उसको हाज़िर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये अमल आपको पूरी ज़िंदगी के लिए मिले, कि सारा अमल मैं करूँ, हाज़िरी आपके पास हो जाए, तो वो अलग अमल है, मैं आपको करके दे सकता हूँ, मुझसे आप इजाज़त भी ले सकते हैं, इजाज़त फ्री है। लेकिन अगर आपने अमल करवा के मुझसे हाज़िरी लेनी है पूरी ज़िंदगी के लिए,
उसका हदिया है, तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे। ये सामने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया जा रहा है और नीचे फेसबुक का लिंक भी मौजूद है वीडियो के नीचे, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो अमल की मालूमात के लिए, कोई भी सवाल के लिए आप